आज हमारे साथ हैं आसिफ भाई जो कि बहरीन से कनेक्टेड हैं और मैं हूँ जद्दा से, सऊदी अरेबिया से। आसिफ भाई के बारे में आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मोटिवेटेड होंगे और इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बहुत सारी चीज सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा। ओके आसिफ भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच रंजन भाई एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? थैंक रंजन भाई थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मैं बहुत दिन से यू। चाहता था कि आपके साथ वन टू वन बात करूं। थैंक एक्चुअली आवर प्लेजर टू होस्ट यू। जब हम यू कंप्लीट ये को तो एंड ऑफ द डे जो भी व्यूअर्स हैं वो एक बंडल ऑफ नॉलेज देगा। ओके बिल्कुल तो भाई, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको छोटा सा दे देता हूँ लोगों प्लीज प्लीज थैंक यू सो मच। को। ओके हमारे आसिफ भाई हैं जो बहरीन में रहते हैं और का जो बेसिक एजुकेशन है वो है BBA। साथ में ही उनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, मैंने यहाँ लिखा है कुछ सर्टिफिकेशन, अगर मैं भूल जाऊँ बाद में बताइएगा। डिप्लोमा इन एनिमेशन है इनके पास, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी है, फंडामेंटल ऑफ गूगल, फंडामेंटल ऑफ एनालिटिक्स, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं और ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों को करना सिखाते हैं। आसिफ भाई, इसमें से कुछ मैंने बहुत सारे छोड़ दिया है, आप थोड़ा सा उसको कंप्लीट करिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, इनका एक ढाबा भी है, तो बिल्कुल बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल क्या-क्या देते हैं लोगों को, वो भी फ्री। बिल्कुल बिल्कुल रंजन भाई थैंक यू सो मच मेरे इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। रंजन भाई वैसे तो मोस्टली चीजें आपने कवर कर ही ली हैं, बट इसमें ये है कि जो लेटेस्ट है, जो जिसने मुझे सबसे ज्यादा काफी हेल्प किया लाइफ के अंदर इनकम जनरेट करने के लिए, और जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, वो है डिप्लोमा इन एनिमेशन। क्योंकि एनिमेशन में कुछ क्रिएटिव करना चाहता था, तो एनिमेशन मुझे सबसे बेस्ट लगा ज्वाइन करके कि मैं इसमें कुछ क्रिएटिव कर पा रहा हूँ, और इसने मुझे लाइफ में भी काफी ज्यादा हेल्प किया। उससे पहले मैंने डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग भी किया था, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट किया है ट्यूलिप के साथ। आप जानते होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वहां मतलब आधी इंडिया मैंने कनेक्ट करी है नेटवर्किंग के साथ वाह ट्यूलिप मेरे, के। तो ये मौका मिला है इस तरीके के डिप्लोमा वगैरह करके और अच्छे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करने का। बट थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था। नहीं, अभी बहुत सारा इसमें आपके सर्टिफिकेट तो छूटा हुआ है, आपके कंपनी के बारे में मैंने नहीं बताया। चलिए नहीं वो नहीं कोई विल कंटिन्यू। बात श्योर श्योर करते हैं आपके ढाबा से। आपका एक ऐसा बिल्कुल ढाबा, आप बहुत सारे चीज फ्री में दे सकते हैं, और वो ऐसा ढाबा है जहाँ पे कोई पनीर नहीं मिलता है, चिकन, वहां पे मिलता है नॉलेज। नॉलेज यस करेक्ट जिनका नाम करेक्ट नॉलेज ढाबा, जब आप करेक्ट बोलते हैं अपने चैनल में नॉलेज ढाबा, मैं हर वीडियो आपका देखता हूँ। आज थैंक यू सो मच आपके थैंक यू जो आजकल सीरीज आप शुरू किए हैं रतन जी टाटा के बारे में, है ना, उसको मैं अच्छा रेगुलरली देख शॉर्ट्स आप बनाते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में मैं चैनल के बारे में ही डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं भी हूँ जो आप भी करते हैं। तो रतन जी, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक, ये सब लाते कहाँ से है, मतलब कहाँ से करते हैं, और ओके तो एक बहुत ही अच्छा सा उनका एक अच्छा सा दे तो। रंजन भाई जमशेद जी टाटा के ऊपर एक एंटरप्रेन्योर सीरीज बनाने का मेरा सबसे ज्यादा मकसद इसलिए था, और सबसे पहले मैंने ये सीरीज बनाई क्योंकि मैं खुद जमशेदपुर से, टाटा जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो जमशेदपुर और ये जो टाटा वर्ल्ड है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो रंजन भाई
जमशेदपुर टाटा की, जमशेदपुर अभी तो जगह का नाम है, जमशेद जी टाटा जो इसके फाउंडर थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ऐसा बताइए कि हम लोग को मतलब पता ना हो, ऐसा यूनिक सा जिससे कुछ लेसन मिले, मोरल मिले, लेसन मिले। बिल्कुल, देखिए रंजन जी, बात है 1800 की, ठीक है, 1861 की। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई कोई बच्चा आउट ऑफ इंडिया जाएगा और वहां जाकर एजुकेशन लेगा, और एजुकेशन लेने के बाद वो इतना कुछ सीखेगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके बारे में मैं बताता हूँ, जिसकी वजह से जमशेदपुर का एस्टैब्लिशमेंट हुई, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप बना। वो ये था कि उन्होंने मैनचेस्टर में, जब वो वहां थे, जब वो बिजनेस करते थे वहां पर कॉटन का, तो वहां पर उन्होंने एक थॉमस नामक एक व्यक्ति से एक बहुत ही प्यारी सी लाइन सुनी। उसने कहा कि जिस कंट्री के पास लोहा है, ओके, जिस कंट्री के पास लोहा है उस कंट्री के पास सोना है। तो ये लाइन सुन के जमशेद जी टाटा बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। उन्हें उन्हें थोड़ा बहुत नहीं, उन्हें बहुत नॉलेज था इंडिया के बारे में, उन्हें पता था इंडिया में कितने रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो खुद भी बिजनेस करते थे और उनके पिताजी जो नसेरवा जी टाटा थे वो भी बिजनेसमैन थे। आप लगाइए 1800 के आसपास, 1850-55 के आसपास उन्होंने 7 मंजिला इमारत बनाई थी मुंबई में। तो आप समझ सकते हैं कि वो नॉलेज में और एक्सपीरियंस में कितने एडवांस फैमिली थी। तो जब उन्होंने, जमशेद जी टाटा ने ये मैनचेस्टर में थॉमस से ये लाइन सुनी, तो उन्होंने इमीडिएटली अपनी डायरी में लिख ली इसको, और इसके ऊपर वो वर्कआउट करने लगे एक्चुअली में। तो इस वर्कआउट की वजह से वो इंडिया आए वापस, और उन्होंने टाटा ग्रुप जैसी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया। टाटा ग्रुप अभी सभी जानते हैं कि स्टील में और आयरन में कितनी ज्यादा, कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये थी उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो मैं चाहता था कि लोगों को बताऊं कि आपका जो ऑडियो है थोड़ा सा लास्ट का फ्यू सेकेंड्स आर ऑडियो अपने वो म्यूट हो गया थोड़ी। तो अच्छा अच्छा तो मैं दोबारा रिपीट करूं? नहीं, आप ये बोल रहे थे, चलिए मैं बता देता हूँ कि जो थॉमस से उन्होंने जो लाइन सुना था कि जिसके पास लोहा है उसके पास सोना है, तो उन्होंने प्रूफ किया इंडिया में आके, और इनको टाटा ग्रुप को कोई इंट्रोडक्शन चाहिए, चाहे वो सुबह आप उठते हैं और रात में आप सोते हैं, ऐसा कोई सा प्रोडक्ट है जो वो बनाते नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, 100% करेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये एक कहानी आपने बताया। अब मेरा और एक पर्सनल आपसे एक सवाल पूछने का, आपने बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करा है, मैं ये चाहता हूँ लोग सऊदी में हैं उनके लिए क्या ऐसा अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग से जो लोग आराम से सेकंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ बताइएगा उसके बारे में। ओके, डिजिटल मार्केटिंग रंजन जी बहुत सारी उसकी फील्ड्स है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ये आ गई कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लोगों के SEO कर सकते हो, आप लोगों के लिए बैनर्स बना के दे सकते हो, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया ही डिजिटल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग पे इन सब चीजों का ही फेस होता है। तो अभी क्योंकि AI टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मार्केट में आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से ये चीजें अगर आप देखोगे तो ह्यूमन टच से अलग जा रही है, मतलब कि इतनी ज्यादा आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, बट जो कीवर्ड्स आप यूज करोगे आर्टिफिशियल AI के ऊपर, वो कीवर्ड्स जो उसका रिजल्ट जनरेट करेंगे आज के वक्त में उसकी वैल्यू है। तो मैं ये राय देता हूँ जो सऊदी में रहते हैं कि अगर कुछ डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहते हैं आज के वक्त में, तो वो अच्छे से AI टेक्नोलॉजी को समझ लें कि उसमें किस कीवर्ड के ऊपर काम करना है। आपका जितना अच्छा कीवर्ड होगा आप उतना ही अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे। देखिए आज के वक्त में बहुत मुश्किल से कोई लिख बैठ कर 2000 लाइंस का, 3000 लाइंस का ब्लॉग लिख रहा है, नहीं, आप कीवर्ड्स यूज करते हो
और एआई टेक्नोलॉजी आपको अच्छा सा एक ब्लॉग बनाकर दे देती है, ठीक है। तो आपको ना एआई टेक्नोलॉजी को समझना है कि आप क्या कीवर्ड्स उसमें डाल रहे हो और कितनी खूबसूरती से आपका ब्लॉग या आपकी इमेज जनरेट हो रही है। या मैं आपको बताऊं कि वीडियोस, इवन आप स्क्रिप्ट से टॉकिंग वीडियोस बना सकते हो एआई के थ्रू। बहुत सारी कंपनीज हैं ऑनलाइन, $35, $40, $50 उनके मंथली रिकरिंग चार्जेस हैं, बट उसके अंदर इतनी ज्यादा आपको क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है। आप इन टूल्स को सीख लें और आप इमीडिएटली अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा एक और सजेशन है सऊदी में रहने वाले के लिए, सॉरी मैं इसको भी इंक्लूड कर देता तो ये था पहले रंजन भाई के सऊदी में रहने वाले लोग पहले कुछ करना चाहते थे, ठीक है, कुछ करना चाहते थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिस से आते हैं, घर खाना खा के सो जाते हैं, उन्हें कुछ ही नहीं करना, वो बिल्कुल भी ना उनके, उसको कहता हूं मैं, मैंने अपनी वीडियोस में भी कहा है कि थोड़ा सा ना कीड़ा होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा कोई कुछ कर रहा है तो फॉर श्योर उसके कीड़ा है दिमाग में, कुछ करना चाहता है, ही वॉन्ट टू लर्न, ही वॉन्ट टू एक्सेल इन लाइफ। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अभी अमेजोन ने इतना अच्छी फैसिलिटी कर दी है कि आप सऊदी में जॉब भी कर सकते हो और जो आपका इकामा होता है उसके थ्रू आप अमेजोन के ऊपर अकाउंट बना सकते हो, अमेजोन का वेयरहाउस यूज कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, आपको करंट अकाउंट नहीं खुलवाना है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करानी है सऊदी में, सिर्फ इकामा के ऊपर आप एक रीसेलर बन सकते हो अमेजोन के ऊपर। सिर्फ सऊदी में नहीं, दुबई में भी, बहरेन जैसी कंट्री में ये नहीं है अभी अमेजोन, बट दुबई और सऊदी में अगर आप करना चाहते हो बिजनेस, आप आराम से कर सकते हो। ये तो मेरा ये सजेशन है कि अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, लाइक यू वांट टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा मनी, गो फॉर इट। एग्जैक्टली, सही बताया आपने, ये तो मुझे भी नहीं पता था, आपने एक वैल्यू ऐड कर दिया। तो ये डिजिटल मार्केटिंग मतलब अंत नहीं है, दैट नो अंत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, बस यही है थोड़ा सा मेहनत करना है। ये इंटरेस्टिंग सा बात ये वाला बातें हो गया तो लोग चले गए एक बोनस। आप भी थोड़ी आवाज कट रही है आपकी रंजन भाई, थोड़ी आवाज कट रही है आपकी, जब आवाज में डिस्टरबेंस, जब भी कुछ चीज अभी आ रहा है ठीक, हां अभी बेहतर है, जब हाई पेस तक प्रॉब्लम ना तो थोड़ा तो आसिफ भाई मैं ये बोल रहा था आप भी लाइफ बहुत इजी अब तक जब आप कुछ अचीव करते हैं तो साथ में इक्वल अमाउंट में सैक्रिफाइस भी, राइट। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई समय आया आप लगा कि बस यार अब बस हो गया अब नहीं रंजन भाई, अगर आपका कोई गोल है, अगर आपको अचीव करना है, तो आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि बस हो गया, बस उसी दिन वो आपका फेलियर डे है। आपने आपने एज अ मेल पर्सन, स्पेशली मैं मेल पर्सन की बात कर रहा हूँ, फीमेल भी ठीक है, उनके ऊपर और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट मेल की मैं बात करता हूँ कि मेल डोमिनेंट बात नहीं है ये, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू वर्क, या यू हैव टू वर्क टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, घर में रहना बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपने वर्क करते रहना है, आपने हारना नहीं है। अगर आपने जिस दिन सोच लिया कि बस हो गया, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही लगे रहो, आप थोड़ा सा रेस्ट भी दो, थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, थोड़ा अपने आप को भी टाइम दो, देन चीजें स्मूथली मूव करेंगी, आप थकोगे भी नहीं। बट हकीकत बात बताता हूँ मैं आपको, मैं एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिन्होंने अचीवमेंट पाई है ना, वो सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं। मैंने अभी तक, सही बताता हूँ, बहुत रेयर एंटरप्रेन्योर्स ऐसे देखे हैं जो 8 घंटे सो रहा होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर 24 घंटे काम करता है, वो सो भी रहा है ना। अगर एंटरप्रेन्योर, एक तो पहली बात, हर कोई बनता नहीं है, और जो बनने का उस राह के ऊपर चल देते हैं ना,
उसकी नींद उड़ती है 100%. तो इट्स नॉट इजी. आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो, आप जॉब से आते हो, यू वर्क ऑन योर ब्लॉग्स, आप अपनी वीडियोस पे काम करते हो, आप बताओ आप कितने आराम से सो पाते हो? देखिए एक चीज कांस्टेंट सबके पास, चाहे वो मिस्टर ए हो या एलन मॉस्क हो या फिर रंजन झा हो, डिफरेंस सबके पास एक कांस्टेंट है, वो है 24 hours a day, राइट? करेक्ट, 24 hours a day. अब उस 24 hours में ही आपको जो करना है वो करना है. करेक्ट. अब आपको जो फ्री टाइम होता है, जो सब वो है सोने वाला टाइम, उसी में कटौती ना, उसी में आप कट करेंगे तो वो बचे हुए यूटिलाइज करेंगे. और करेक्ट, 5 घंटा का बात बताया बार, तो मैं 3 घंटा 2.5 घंटा. बिल्कुल, देखिए नहीं सो पाते एंटरप्रेन्योर्स, तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर की जो राह है ना, इट्स नॉट इजी. अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो मतलब आप सोच लो कि आपने बहुत मेहनत करनी है. मैं आपको आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि बस हो गया. तो हम वापस उसी पे आ जाते हैं, एक तो बहुत ज्यादा मेहनत है. या एग्जैक्टली, एक लो है न्यूटन का और एक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, है ना? तो थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं आज. बिल्कुल बिल्कुल. लो एक है न्यूटन थर्ड, है ना? हर चीज का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, राइट? करेक्ट करेक्ट. जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उसका रिएक्शन उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगा. अगर आप जोर से मारते हो, जितना जोर से उसको लगा उतना जोर से आपके हाथ में भी लगेगा. हाथ में भी लगा, करेक्ट, 100% करेक्ट, है ना? तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे. करेक्ट. या मुझे पता नहीं चला कि 17 मिनट कैसे हो गया और हम लोगों ने किस किस टॉपिक में बात कर, और ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे इसमें जो सुनने वाले को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, है ना? फेलियर इज द पिलर ऑफ, जो भी हो, सक्सेस नहीं बोलूंगा, फेलियर इज द पिलर ऑफ एवरीथिंग, है कि नहीं? आपके जितने फेलियर्स हैं आप उतना ही इंप्रूव करते हो. Exactly. जितने फेलियर्स हैं उतना ही इम्प्रूव करते हो. लेकिन लेकिन अगर उससे सीखा नहीं तो भी एक ये भी लॉ है कि आप कंटिन्यूअस फेल होते रहोगे. आप ग्रो करोगे ही नहीं अगर आपने सीखा नहीं. तो एक और सेइंग था कि एक अपनी गलती से अगर सीखने बैठोगे ना तो एक जिंदगी क्यों पड़ जाएगा, इसलिए दूसरे के भी सीखना सीखो. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. तो ये सारी एक चीज और रंजन. हाँ. जी मैं एक चीज और सॉरी ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ. मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करूं कि लोग जाकर किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफी जरूर पढ़ें. देखिए ऑडियो बुक के थ्रू देखें, उसको सुन लें, या फिर एक बुक जो उनकी मार्केट में अवेलेबल होती है उसको जरूर पढ़ें. क्योंकि देखिए आपका ना एक गोल होगा, ठीक है, आपका एक गोल है, यू हैव टू अचीव देयर, बट उस गोल का कोई रास्ता तो होगा ना, कोई रास्ता तो होगा, कोई पाथ तो होगा उस गोल तक पहुंचने का. फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 कमाने हैं तो 10,000 कमाने का कोई तरीका तो होगा. हो सकता है उसके 5 पाथ हों, 5 तरीके हों उसके, तो उन 5 तरीकों में से कोई सा तरीका किसी एंटरप्रेन्योर ने तो अचीव किया होगा, ठीक है? तो उस अचीवमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसको इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. लोग कहते हैं टाइम वेस्ट है यार, आज के वक्त में सोशल मीडिया है, मैं उठा के इसकी ऑडियो देख लेता हूँ, मैं यूट्यूब का शॉर्ट देख लेता हूँ. नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने इशारों में बता दिया कि क्या देख ले. तो ये सबसे ज्यादा मैं राय देना चाहता हूँ अपनी न्यू जनरेशन को जो हमारे बाद आ रहे हैं, कि इस चीज को अगर आपने ग्रो करना है, कोई गोल बनाना है, अचीव करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, और दुनिया में सिर्फ ऐसे ही आकर ऐसे ही नहीं जाना है, कुछ करना है, तो बायोग्राफी जरूर पढ़े, जरूर पढ़े, बहुत जरूरी है. और बायोग्राफी वही लोग का होता है जिन्होंने जो फेल हुए हैं कई बार और कई बार सीखा है. राइट, एग्जैक्टली, आपकी बात वही आ गई, फेलियर भी एक तरीके की लर्निंग है.
या बायोग्राफी मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ता हूँ, या फिर कुछ लिंक मिलता है बहुत अच्छा लगता है। तो भी आप लोग अगर नहीं पढ़े, कुछ ई बुक्स डाउनलोड कीजिए किसी भी चीज का। आप जरूरी नहीं कि उस आदमी को जानते हैं, है ना, करेक्ट खुद करेक्ट। जाए वो एक्स वाई जी नहीं, कोई। आप उनको शायद मिल भी नहीं पाओगे, वो इतने सही बात, बिजी होते हैं, वो नहीं अवेलेबल होते, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर आप झांक कर देख सकते हो बायोग्राफीज के थ्रू। वेरी गुड वेरी गुड। आसिफ भाई, बीबी बीबी आपका जर्नी शुरू हुआ और आज आप इतने सारे सर्टिफिकेशंस करके बैठे हैं, रिसोर्सफुल। थैंक यू सो मच, थैंक आज के डे में यू। आपको कोई एक डिजिटल रिलेटेड सब्जेक्ट दूंगा तो आप सॉल्व कर देंगे, और आपने ही मेरा वेबसाइट भी होस्ट कर, उसे हाँ जी डिजाइन बिल्कुल, करेंगे। तो हाँ ये जी, आपका योगदान हमेशा मेरे कंट्री। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना कैपेबल समझा कि मैं आप जैसे यूट्यूबर की, आप जैसे पर्सन की जो इतने इतने ज्यादा मेहनती हैं, रियली आप जैसा चैनल बनाना इट्स नॉट इजी। अभी मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था यूट्यूब के ऊपर, बट मुझे एहसास हो रहा है कि एक सब्सक्राइबर भी कितनी वैल्यू रखता है। तो आपका इतना बड़ा चैनल है, मैं रियली सल्यूट करता हूँ आपको कि आपने गल्फ जैसी कंट्री मिडिल ईस्ट में रहकर इतना टाइम निकाला आपने कि आपने इतना बड़ा चैनल ग्रो किया, और इतना इंफॉर्मेटिव चैनल है आपका। रियली बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स आप पिक करते हो रंजन भाई, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं उन लोगों के लिए जिनको नॉलेज ही नहीं है मिडिल ईस्ट के बारे में या चीजों के बारे में। तो आप जैसी वीडियोस देखकर बहुत नॉलेज मिलती है रियली, और आप इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे भी बहुत। डेफिनेटली कंटिन्यू रखेंगे, और बहुत सारे चीजें हैं ऐसे भी लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल एक लास्ट स्टेटमेंट, अगर आपको किसी को एक सिग्नेचर लाइन देना हो। सिग्नेचर ये है कि नॉलेज हमेशा लेते रहे, इस नॉलेज से आप कभी ना भागें। इसीलिए मैंने अपने, सॉरी, मैं अपने चैनल का भी नाम लेना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि जो यंग जनरेशन को, या लोग ऐसे भी हैं जो जो एक रैट रेस के अंदर फंस चुके हैं, वो भी नॉलेज, वो कुछ करना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, तो रंजन भाई ये नॉलेज लेने का प्रोसेस कभी खत्म ना करें, नॉलेज हमेशा लेते रहें, भले ही आपकी फील्ड से रिलेटेड है या नहीं। फॉर श्योर आपकी फील्ड से रिलेटेड होगा तो आप लाइफ के अंदर ग्रो करोगे, बट ऐसा नहीं है, आप दूसरी चीजों की भी नॉलेज ले सकते हो। अभी ऐसा नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूं या मैं एनिमेशन का बंदा हूं, मैंने सिर्फ वही नॉलेज लेनी है, नहीं, जो डे टू डे लाइफ के अंदर भी चीजें हो रही हैं उसकी भी नॉलेज लेनी है, क्या नया आ रहा है उसकी भी नॉलेज लेनी है, अपनी फील्ड अपने कैरियर से रिलेटेड भी चीजों की नॉलेज लेनी है। तो ऑलवेज कीप टेकिंग नॉलेज, यही आपको जिंदगी में ग्रो करेगी। सो नाइस, सो फिलहाल तो नाइस यही है मेरा सिग्नेचर नॉलेज डावा का। आसिफ भाई, ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस एंड ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, जी तो वी विल डेफिनेटली मीट सम डे वेरी सून। और मैं श्योर चाहता श्योर, थैंक यू सो मच। हूँ कोई शेयरिंग केयरिंग इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट चलता रहे लोगों के साथ। आपने अपना टाइम निकाला और थैंक यू मुझे सो मच, काम कर, तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और थैंक यू जो सो मच, और जितने मेरे व्यूअर सारे कौन सी बातें लगा कमेंट में जरूर लिखे। ओके बिल्कुल, आसिफ भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच रंजन भाई बुलाने के लिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।